सुमी, कुंवर साहब को नौकरी मिली क्या? मुझे तो तेरे बच्चों की चिंता खाए जा रही है। नहीं दीदी, अभी नहीं, कल ही दो जगह इंटरव्यू देकर आए हैं, वहां से जवाब नहीं आया, अभी वक्त लगेगा। 3 महीने तो हो गए, और कितना वक्त लगेगा? दीदी, ये कोशिश तो कर रहे, दिन रात लगे हैं, अब नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती, कुछ वक्त तो लगता है। आप चिंता मत करो, आज नहीं तो कल नौकरी लग ही जाएगी। दीदी ने समझाकर सुमी ने फोन बंद कर दिया, पर खुद की रुलाई फूट गई। ऐसे हालात में वो भी क्या करे? सुबोध कोशिश तो कर रहे, सेविंग से घर का खर्च भी चल रहा है, पर सुबोध का दिन भर घर पर रहना उसे अखरता था, क्योंकि सुबोध एक सेल्स में थे। सेल्स वाले वैसे भी घर पर नहीं रह सकते, बच्चे भी स्कूल से आते ही सवाल करते हैं कि पापा आप काम पर नहीं जाते, आजकल आप हमारा स्कूल से आने का इंतजार करते हो, पहले हम आपका ऑफिस से आने का इंतजार करते थे। बेटा, जैसे तुम्हारे स्कूल की लंबी छुट्टी होती है, वैसे ही पापा के भी ऑफिस की भी लंबी छुट्टी है। कितना अच्छा है, पापा को कोई हॉलिडे होमवर्क भी नहीं मिलता, बच्चों ने चहकते हुए कहा। बच्चे अपनी पढ़ाई और होमवर्क में व्यस्त हो गए, और सुमी किचन के काम में। काम वाली नहीं लगा रखी, अभी कहीं से इनकम भी नहीं है, तो जितने पैसे बचे उतना ही अच्छा है। अभी घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर की ईएमआई ज्यादा जरूरी है। नया घर लिया, पर सारी खुशियां पानी में बह गई। भगवान ने छत तो दी, पर पांव से जमीन छीन ली। पोजीशन मिलने से पहले सुबोध की कंपनी ने उसकी पोस्ट डिलीट कर दी। जिस कंपनी में बरसों से काम कर रहे थे, वहां से एकदम ही कंपनी ने निकाल दिया। नोटिस पीरियड भी कभी का पूरा हो गया। नया घर लिया, पर एक दर्द के साथ नए घर में आए। साधारण सा गृह प्रवेश कर लिया, किसी को नहीं बुलाया। वैसे तो सुमी की इच्छा थी कि वो सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाती, पर अभी इनकम बंद हो गई है तो खर्च कैसे करे? 4 से 6 महीने हो गए, पर नौकरी का अब तक कोई पता नहीं। घर की माली हालत बिगड़ रही थी, इधर सुमी की मानसिक और शारीरिक हालत भी बिगड़ रही थी। मैं तो पहले ही कहती थी नौकरी कर ले, पर तूने मेरी सुनी नहीं, अब तू बच्चों को लेकर घर आ जा, ताकि यहां आराम से रह लेना, दीदी ने जोर लगाते हुए बोला। दीदी, मैं ऐसी हालत में सुबोध को छोड़कर नहीं आ सकती, सुख में साथ रही हूं तो दुख में भी रहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है, भगवान मेरे बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। सुमी जितनी मजबूती से दीदी को समझाती, बाद में उतनी ही कमजोर पड़कर सुबकते हुए रोती। जब से सुबोध की नौकरी गई है, घर से जैसे सारी खुशियां ही चली गई। सैलरी आती थी तो 100 रुपए भी झट से खर्च कर देती थी, अब 10 रुपए खर्च करने के पहले सोचना होता है। सुमी का सारा सर्कल छूट गया, उसने हर जगह आना जाना छोड़ दिया। पहले सहेलियों को घर बुलाती थी, अब किसी का आने का नाम भी नहीं लेती। उसने सारे खर्च पर रोक लगा दी। घर पर सुबोध को अकेले छोड़कर जाया भी नहीं जाता। मुझे तो पहले ही लड़का पसंद नहीं था, तूने अपनी जिद से शादी की, माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते, आज मेरे कहने से शादी करती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। माँ, मैं वैसे ही परेशान हूं, और आप पुरानी बातों को उखाड़ रही है, सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे भगवान और सुबोध पर पूरा विश्वास है, इतने सालों से घर चल रहा है, आगे भी चलेगा। अच्छा सुन, थोड़े रुपए भेज दूं? माँ ने सबका वास्ता दिया। नहीं माँ, अभी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो आपको बताऊंगी। सुमी किसी से भी रुपए नहीं लेना चाहती थी, उसे सुबोध और भगवान पर पूरा विश्वास था। इतने सालों का उनका नियम आज उनके लिए वरदान बन गया। सैलरी आते ही पहले सेविंग करते थे, बाद में खर्च। उन्होंने हमेशा जितनी चादर थी उतने ही पांव पसारे, कभी दोस्तों और रिश्तेदारों की होड नहीं की। गर्मी और सर्दी दोनों की छुट्टियां निकल गई, इस बार हम बच्चों को लेकर कहीं नहीं गए, सुबोध ने मायूसी से कहा। ये हमारी परीक्षा के दिन है, निकल जाएंगे, दिन सदा एक से नहीं रहते सुबोध, रात के बाद सुबह जरूर होती है। सुमी सुबोध को समझाती, पर उसे कौन समझाए, वो तकिए में मुंह छिपाकर रो लेती।
साल के सभी दिन त्योहार निकल गए। बच्चों का न्यू सेशन आ गया, नई किताबें लेनी थी, फीस भरनी थी, सुबोध की सभी सेविंग खर्च हो चुकी थी। अब क्या करें, ट्यूशन से थोड़ा बहुत ही सहारा मिला था। सुमी रात को बोली, सुबोध बच्चों की फीस भरनी है, मैं माँ से कुछ रुपए ले लू, नहीं तो आप अपनी दीदी से ले लो। अभी नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं लेना चाहता, सुबोध ने कहा। सुमी झिझकते हुए बोली, तो ये लो, ये नेकलेस सेट जो तुमने दिलाया था, इसे बेच देते हैं। नहीं, ये तो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दिलाया था। सुबोध, औरत गहने अपने लिए नहीं लेती, वो इसीलिए लेती है जब बुरा वक्त आए तो ये गहने काम आ सके, ये तो और भी बन जाएंगे। अभी बच्चों की फीस जरूरी है, जब नौकरी लग जाएगी ये फिर ले लेंगे। कब लगेगी नौकरी? 9 महीने हो गए, मैं घर बैठे बैठे उगता गया हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, भगवान और कितनी परीक्षा लेगा, थक गया यार इंटरव्यू देते हुए, अब और सब्र नहीं होता। सुबोध ने फिर मायूस होकर कहा, विश्वास रखो वो भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। सुमी ने सुबोध को ढांढस बंधाया और फिर खुद रूम बंद करके रो पड़ी। आखिर कब तक? अगली सुबह सुबोध एक और इंटरव्यू के लिए गया। उन्होंने कहा, आपको सोमवार को बताएंगे, अब ये 2 दिन निकालना भारी हो गया। पापा ऑल इज वेल, बच्चों ने भी कहा, अब बच्चों को भी घर के हाल समझ आ गए थे। तुम अपने मायके हो आओ कुछ दिन। नहीं, मेरा मन नहीं है, आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, अब तो जो भी है साथ ही सहना है, रहना है, अब तुम्ही से है हर खुशी अपनी। ये कहकर सुमी ने सुबोध को गले लगा लिया। सब अच्छा होगा, पत्नी ही सुख दुख की साथी होती है, मैं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह सुबोध को मेल आया कि उसने जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था वहां पर उनका सिलेक्शन हो गया है। दोनों जने भगवान के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर आए। धीरे धीरे सब पहले जैसा होने लगा। जिन लोगों ने बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया था वो फिर से बात करने लगे। दोस्तों ने पहले घर बुलाना छोड़ दिया था वो भी बुलाने लगे। सुख के आते ही सारे रिश्तेदारों के फोन भी आने लगे। बुरे वक्त में अपना धैर्य नहीं खोए।